और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के आगरा से आ रही है, जहां पर आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान गांजे के साथ पकड़े गए 3 तस्कर, तस्करों में एक लड़का और 2 लड़कियां भी है शामिल। इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्करी के दौरान पकड़ी गई नाबालिग लड़की 12वीं की छात्रा बताई जा रही है। गांजा तस्करी में पहले भी एक लड़की का नाम सामने आया था, जिसमें सगे भाई बहन गांजा तस्करी में पकड़े गए थे। पता जा रहा है कि यह सभी तस्कर दिल्ली के रहने वाले हैं, जो विशाखापत्तनम से गांजा लेकर आए थे। इन सभी तस्करों को चेकिंग के दौरान जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 20 किलो गांजे के साथ धर दबोचा। इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आज सुबह करीब 8:15 बजे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है, जिसमें 3 लोगों को 20 किलो नाजायज गांजे सहित पकड़ा, जिसमें एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। लड़कियों में एक लड़की नाबालिग भी है। ये संयुक्त कार्रवाई हमारे जीआरपी के वरिष्ठ उप निरीक्षक अनुराग यादव और आरपीएफ के अनिल कुमार गौतम की 2 टीमें थी अलग अलग, इन्होंने मिलकर यहाँ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से इनको पकड़ा है। ये 20 किलो करीब गांजा है, इसकी लगभग कीमत 2 लाख रुपए है, और ये लोग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से इसको लेकर आए थे, और आगरा से बाय रोड इनका दिल्ली ले जाने का प्लान था, तभी हम लोगों ने इनको पकड़ा। इतिहास क्या रहा है इनका? इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये लोग दिल्ली के निवासी हैं, संबंधित जो इनका थाना है वहाँ से भी हम इनका पूरा आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं, और इनसे विस्तृत इस बारे में पूछताछ की जा रही है। पूर्व में भी लगातार इस तरीके के गांजा पकड़ा जा रहा है, तो कहीं एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, तो क्या पुलिस उस पर कार्रवाई कर पाएगी? इसमें एक राहुल नाम के लड़के का नाम प्रकाश में आया है, जिसने इनको भेजा है, ये नाम बताया, इसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और पूर्व में भी जो गांजा पकड़ा गया है, तो ये साउथ इंडिया से जो ट्रेनें आती हैं विशाखापट्टनम साइड से, इससे गांजे की बड़ी खेप आती है, और ये दिल्ली में काफ़ी बड़ी मात्रा में बिकता है। कुछ लड़कियाँ बहुत अच्छी फैमिली से हैं, देखने में लगता है वो रैकेट में शामिल है। ये कैरियर के रूप में काम करती हैं, पहले भी लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं, और एक भाई बहन भी गिरफ्तार हुए थे कुछ दिन पूर्व, उनसे भी नाजायज गांजा बरामद हुआ था।